सो गाइस, आज मेरा मूड कर रहा था कुछ धमाकेदार ड्राइंग बनाने का। जी हाँ गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ कुछ तगड़ा स्टिक ड्राइंग बनाने वाला हूँ आज, जिसे बोला जाता है ना रियलिस्टिक नहीं, हाइपर रियलिस्टिक। कोशिश तो पूरी करूँगा गाइस मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की, लेकिन आज कुछ अलग। A4 नहीं, A3 साइज पेपर पर ड्राइंग करेंगे हम। जी हाँ गाइस, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ A4 साइज के पेज से, तो गाइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है A3 साइज का पेज। सो गाइज, इससे पहले मैंने A3 साइज पर बस एक ही बार ड्रॉ करा था, जो कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर ड्रॉ करा था। सही में गाइज, वो ड्राइंग मैंने करा था अपने क्लास टीचर का। बात कुछ ऐसी थी कि अपनी ड्राइंग्स अपने क्लासमेट्स को दिखा रहा था, तभी क्लास टीचर ने देख लिया कि मेरे क्लासमेट्स मेरी ड्राइंग देख रहे हैं। तब मेरे क्लास टीचर ने भी मुझे कहा कि क्या तू मेरी भी ड्राइंग बना देगा। तब मैंने अपने क्लास टीचर को हाँ भर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने क्लास टीचर की पोर्ट्रेट A4 नहीं A3 साइज़ के पेपर पे करूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था गाइस रियली। फिर मैंने जब ड्रॉ करना शुरू करा, तो उसमें मुझे लगा कि यार ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, पता नहीं मेरे से ड्रॉ होगा कि नहीं होगा। और सर अगले दिन ही स्केच मांग रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं बीच में भी छोड़ूंगा तो मेरा एक दिन बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं A4 साइज़ पर भी बनाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी मुझे लग रहा था कि मुझे A4 साइज़ पर ड्रॉ करना शुरू कर लेना चाहिए अभी। फिर मैंने नहीं करा, मैंने A3 साइज़ को ही जारी रखा। और गाइज ट्रस्ट मी यार, रियली मैंने बहुत ही अच्छा स्केच बना लिया था अपने क्लास टीचर का। यार उन्हें बहुत पसंद आया, वो अपने घर ले गए मेरे बनाए हुए स्केच को। इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी की बात है। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 30 सेंटीमीटर स्केल ग्रिड बनाने के लिए यूज़ करूँगा इसे, देख सकते हो आप। और एक यूज़ करूँगा HB पेंसिल, और एक यूज़ करूँगा मैं रिएक्टेबल इरेजर, और एक सिंपल इरेजर, एक सिंपल शार्पनर, और एक 4B पेंसिल कुछ डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए। सो गाइज, अब आपको दिखा देता हूँ मैं कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए कौन सा रिफ्रेश मैंने चूज़ किया है। देख सकते गाइज आप, इसमें जो स्किन टेक्सचर है यार, इसे हाईलाइट करने में बहुत मज़ा आएंगे, इसमें शेडिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। ये जो है ना टेक्सचर, देखो गाइज, देख सकते हो आप, ये देखो गाइज इसमें हाइलाइट्स बहुत है इसमें। और ये रिफरेंस किसका है आप अगर नहीं जानते, तो ऐसे भी नहीं जानते होंगे, तो फिर मैं इसका गाना सुना देता हूँ आपको, तब आप तुरंत समझ जाएंगे कौन है ये। सो गाइज, A4 साइज पर हम 1 से 2, 2 से 4 करते थे, लेकिन इसमें हम 1 से 3, 3 से 6, मतलब 3 बढ़ाना है पूरा। सो गाइज ऐसे मैं 3 मार्क कर ले रहा हूँ। अब ग्रिड बना लेना है। सो गाइज, हमारा ग्रिड पूरा हो चुका है, अब हम बिना किसी देरी के आउटलाइन बनाना शुरू कर देंगे। अब आई ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नोज ड्रॉ कर लेंगे। और अब लिप्स ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरी आईज ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज, इसके वाइट कलर के बाल है, इसलिए हम ग्रेफाइट घिसकर, मतलब पेंसिल घिसकर ऊपर से हम मैकेनिकल इरेजर चला देंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए शेडिंग करने में, डिटेलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि बाद में। सो गाइज, हमारा आउटलाइन पूरा हो चुका है, इसके ग्रिड्स इरेज कर लेंगे हम। सो गाइज, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सो गाइज, इस वीडियो का लाइक एम है 7 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 7 लाइक्स फटाफट आ गए, तो फिर मैं वीडियो, इस वीडियो के पार्ट 2 मतलब शेडिंग ट्यूटोरियल के लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा आप पर है। अगर आप इस पर जल्द से जल्द 7 लाइक कर दिए, तो फिर मैं इसका ट्यूटोरियल भी ले आऊँगा आपके ऊपर है। अगर आप इस वीडियो पर जल्द से जल्द 7 लाइक कर दिए, तो फिर मैं ट्यूटोरियल ले आऊँगा। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।